जो दिल्ली में बैठे हैं ना, जो एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके हिसाब लगाते हैं कि इसने इसको गले लगाया तो ऐसा हो जाएगा, उसने इसके साथ हाथ मिलाया तो ऐसा हो जाएगा, उसने इसकी सामने नजर मिलाई तो ऐसा हो जाएगा, उन लोगों को पता नहीं है धरती की सच्चाई क्या है। ये केसरिया सागर मुझे अब समझ में आया कि शरद राव ने मैदान क्यों छोड़ दिया। क्योंकि शरद राव भी बड़े खिलाड़ी है, वो समय से पहले हवा का रुख समझ जाते हैं और वो ऐसा कभी कुछ नहीं करते जिसके कारण उनको और उनके परिवार को खरोच आ जाए और कोई बलि चढ़ जाए तो चढ़ जाए, वो कभी अपने आप का नुकसान नहीं होने देते। और इसलिए मैदान छोड़ करके 9-2-11 हो गए।